सब कुछ कितने भी हम लोग गोल्स कर ले या कुछ भी कर ले, अभी मैं प्रेजेंट कंडीशन में मैं एक ही चीज के शिकार बार बार हो रहा हूँ, दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, बिकॉज ऑफ जॉब अनसर्टेनिटी इन द लाइफ, फाइनेंशियल इश्यूज, इन चीजों को ओवरकम करने का। और एक ये लास्ट सवाल है मेरा संजीव, याद रखिएगा, वन ऑफ माय मेंटोर्स, मेरे एक मेंटोर कहा करते थे कि जब भी आप लक्ष्य की तरफ चलें, की तरफ चलेंगे आप नहीं चल पाएंगे, थोड़े दिन चलेंगे रुक जाएंगे, असलियत में लक्ष्य आपको अपनी तरफ खींचता है। जब प्रोक्रेस्टिनेशन आप कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उस गोल को, उस लक्ष्य को अभी आप प्रयास से कर रहे हो, आपकी जर्नी प्रयास रहित होती है। जैसे एक बच्चा ऑटोमेटिकली बढ़ता है, प्रयास नहीं करता, एक पौधा ऑटोमेटिकली बढ़ता है, ये पौधा अपने आप बढ़ रहा है, बिल्कुल, ये प्रयास नहीं कर रहा, नदी अपने आप बढ़ती है बहती है, वो प्रयास नहीं करती। अगर वो प्रयास करेगी तो फिर तो वो नदी नहीं है, फिर तो वो पौधा ही नहीं है। तो याद रखिएगा, अभी आपका जो गोल है, बेसिकली लॉ ऑफ सक्सेस जो जिसके राइटर है नेपोलियन हिल, उन्होंने एक बात कही है कि कोई भी आदमी आलसी नहीं होता, असलियत में उसके गोल, उसके लक्ष्य उस वक्त के आलसी होते हैं। मैं आपके सामने एक सिचुएशन रख रहा हूँ, मान लेते हैं इस वक्त आप कह रहे हैं कि आप आईपीएल देख रहे हो, अंतिम ओवर चल रहा है, 3 बॉल बची हैं, और आपकी जो फेवरेट टीम के 2 बैट्समैन वहां पर, आई मीन धोनी साहब और विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं, और 3 बॉल बची हैं और 12 रन बनाने, या तो 2 छक्के लगने चाहिए या 3 चौके लगने चाहिए, और आपके दिल की धड़कन रुकी हुई है, आपको मजा आ रहा है, टीवी कह रही है सुनो मेरी बात, आप कहते चुप रहो, चाय पियोगे रे चुप रहो, लेकिन आप अपने मजे में खोए हुए हो कि अचानक आपके आपको आपके बच्चा रोता है, वो कहता है पापा मेरा हाथ जल गया, आग पर आ गया, तो क्या अब आप इन 3 बॉल को देखेंगे कि एकदम से तेजी से खड़े होकर अपने बच्चे की तरफ दौड़ेंगे? निश्चित रूप से अब आपका जो आनंद है यहाँ नहीं रहा, अब आप अपने बच्चे को हील करने के लिए, डॉक्टर के ले जाने के लिए प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये लक्ष्य जो बच्चे की खुशी और दुख है वो आपकी गहराई में पड़ा हुआ है। जब भी आपका लक्ष्य गहराई में पड़ा होगा आप किसी और चीज को देखेंगे नहीं। मैं आपको यकीन नहीं, मैं यकीन बता रहा हूँ, पिछले 3 सालों से मुझे यही नहीं पता है, विराट कोहली और धोनी के अलावा हमारी टीम में जो नाम आते हैं इनको मैं पहचान नहीं सकता, और मैं वही आदमी था कि एक 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 प्लेयर की सारी जन्मपत्री मेरे से ले लो कि इसने कहा कब कितने को वो बनाए थे, क्योंकि वंस योर आई मीन गोल इज सेट तो इट इट गिव्स यू डिफरेंट पैराडाइम, गिव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ योर गोल डिफाइंस योर प्रोक्रेस्टिनेशन, जो आपकी तीव्रता है लक्ष्य की वही आपके कल के ऊपर टालने की तीव्रता को निर्भर करता है। बराबर है, बहुत बढ़िया तरीके से सर ने डिटेल में समझाया कि किस तरह से आप प्रोक्रेस्टिनेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से आप उस चीज के लिए अपने गोल से डाइवर्ट होते हैं, क्योंकि उसके पीछे आपकी इमोशंस अटैच नहीं होती, जब उसका इंटेंशन उसके साथ अटैच नहीं होता इसलिए आप वो चीजें नहीं कर पाते।